हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जालिम प्लस लोशन का फुल रिव्यू। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस लोशन का इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, या फिर कह सकते हैं इसको डॉक्टर किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं, या जो लोग डायरेक्टली जाके मेडिकल से लेके किस बीमारी में यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड, लीजिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखा जाए जालिम लोशन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको हर एक मेडिकल स्टोर, इवन की गली गली में किराने की दुकान पर भी ये मिल जाएगा। बहुत ही फेमस लोशन है ये दांत खाज खुजली के लिए। और देखा जाए तो ये एक तरह का एसिड होता है इसके अंदर। और आप सोच रहे होंगे कि एसिड तो स्किन के ऊपर नहीं यूज़ किया जाता है, तो ये आपकी बात सही है, पर कई कंपनियां हैं जो इसको यूज़ करती हैं। कई लोगों ने देखा होगा जो मेडिकल फील्ड के लोग होंगे, ये जो क्रीम आती है फेस के लिए या स्किन के लिए, उसके अंदर भी सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया जाता है। मैं इसका वर्क बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको बताता जाऊँगा इसका वर्क क्या होता है स्किन के ऊपर, और उसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता और कहाँ नहीं यूज़ करना है इसको आपको। सो मैं लीजिए स्टार्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके MRP की। तो इसका MRP नॉर्मली 27.50 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इसके मेन अगर मैं बात करूं इसकी पैकिंग की, तो ये एक ड्रॉप या आई ड्रॉप एयर ड्रॉप की तरह इसकी पैकिंग में है, नया पैकिंग है। तो उसको जब अप्लाई करना है तो उसको कॉटन में लेके जिस जगह अप्लाई करना है डायरेक्टली इसको अप्लाई करना है उसी एरिए पर। और देखा जाए ये एसिड है, तो एसिड होने के कारण बहुत भयंकर जलन होती है वहाँ पर, तो कई लोग तो चिल्लाने लगते हैं, इतने ज़्यादा दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको जलन बहुत ज़्यादा होगा इसको लगाने के बाद। और जो एसिड का जो मेनली जो काम है, जो इसके अंदर एसिड है, तो ये है सैलिसिलिक एसिड, जो इसका मेनली काम है स्किन को निकाल देती है। जो डेड स्किन होती है, कहीं भी एसिड को कहीं लगाया जाता है तो वहाँ जला देती है स्किन को। तो जो भी फंगल इन्फेक्शन रहता है, तो नॉर्मली जो हमारी स्किन के ऊपर रहेगा तो उसको तो तुरंत ख़त्म ही कर देगा आपका। 2 से 3 दिन के अंदर ये आपका जो फंगल इन्फेक्शन होगा ख़त्म हो जाएगा। पर आपने देखा होगा कई लोगों को, बहुत सारे ट्यूब यूज़ कर चुके हैं, बहुत सारा लोशन है, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं, इनको आराम नहीं मिल रहा। तो डेट मीन्स ये समझ जाइए कि जो इनका बाहर का जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन दिख रहा है, वो बाहर से नहीं, उनके ब्लड के अंदर का इन्फेक्शन है जो इनको स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस बात का ख्याल रखें, अगर नॉर्मली अगर आपको स्किन की ऊपर की कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो ये नॉर्मली जालिम लोशन बहुत अच्छा वर्क करेगा और काम करेगा, जो आपका दांत खाज खुजली है उसको ख़त्म कर देगा 2 से 3 दिन के अंदर ही। तो बात कर लेते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड के बारे में मैंने बता दिया, जो आयोडीन है तो ये इसका काम करता है, जैसे कई लोगों की खुजली करने की वजह से ब्लड आने लगता है, वहाँ पर जख्म बन जाता है, तो उस चीज़ को हील करता है आयोडीन। और फिनोल जो लोशन है, इसको कह सकते हो एक तरह का बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जो भी फंगल इन्फेक्शन, जो वहाँ पर फंगल बैक्टीरिया है उसको किल करता है। तो मिला जुला के ये है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर ये आराम दे देगा। और इसको फेस के ऊपर यूज़ नहीं करना है, कई लोगों का चेहरे के ऊपर निशान पड़ जाता है, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद उस जगह का कलर जो है चेंज हो जाता है, कह सकते हैं वहाँ पर नीला नीला हो जाता है हल्का हल्का इस दवा को लगाने के बाद। अगर किसी ने फेस पर लगा लिया तो उसका फेस पर निशान हो जाएगा, और चमड़ी जो निकलेगी तो बहुत बेकार लगेगा देखने के बाद, देखने में फेस ख़राब होने का चांस है। तो उसको फेस के ऊपर मत यूज़ करें, जहाँ आपका इंटरनल पार्ट है, कह सकते हैं जांघों के बीच में, या और कहीं दांत खाज खुजली है, बैक साइड है, या कांच के अंदर है, बाजू के नीचे है, तो वहाँ आप इसको अप्लाई कर ले, पर बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत बहुत भयंकर जलन होता है। तो ये आपके माइंड में रहे, ये 10 ml की पैकिंग में आएगा। तो आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही अच्छी और जेन्युइन नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और मेडिसिन के साथ।